एक्सेल में जब भी आप कोई ऐसा नंबर लिखते हैं जिसके स्टार्टिंग में जीरो हो, तो आप नॉर्मली ऐसा नहीं कर पाते हैं। नंबर लिखते ही यहाँ स्टार्टिंग का जीरो गायब होकर केवल उसके बाद का नंबर इंटर होता है। सीरियल नंबर या रोल नंबर जैसे एंट्री के लिए इसकी अक्सर ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए इसके बहुत ही आसान तरीके के बारे में जानते हैं कि कैसे आप ऐसे नंबर की एंट्री कर सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है जितेंद्र और आप देख रहे हैं ज्ञान का टेलीकास्ट। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। किसी भी नंबर से पहले जीरो लगाकर एंट्री करने के लिए दो तरीके हैं। लास्ट वाला मेरा फेवरेट है, देखते हैं आपको कौन सा पसंद आता है। पहले तरीके में कॉलम या रो जिसमें आपको एंट्री करना है उसे सेलेक्ट करके होम टैब के अंदर में फॉर्मेट ऑप्शन में जाएं और इसके बाद फॉर्मेट सेल वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करें। यहाँ टेक्स्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करके सेव कर दें। इसके बाद एंट्री स्टार्ट करें, लेकिन इसमें आपको हर बार यह करना पड़ेगा जब आप दूसरे फाइल या दूसरे जगह एंट्री करेंगे। दूसरे तरीके में आप फाइल ऑप्शन को क्लिक करें, उसके बाद मोर को क्लिक करें, अब ऑप्शन को क्लिक करें, यहाँ डेटा टाइप सेलेक्ट करें और ऑटोमेटिक डेटा कन्वर्जन के अंदर में रिमूव लीडिंग जीरो एंड कन्वर्ट टू अ नंबर को अनटिक करके ओके कर दें। अब आप कोई भी नंबर जिसके स्टार्टिंग में जीरो है ऐसे नंबर की एंट्री कर सकते हैं जिसमें जीरो नहीं हटेगा। आपको कौन सा तरीका ज़्यादा पसंद आया हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।